अस्सलामु अलैकुम, मैं जाबिर अब्बास हूँ और मेरे बहुत ही प्यारे भाई तोफ़ीक शाह साहब, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अरसा से एज़ डांसर, एज़ कोरियोग्राफ़र और एक एक्टर के नाते से काम कर रहे हैं। वो थाईलैंड में एक निजी काम के सिलसिले में गए हुए थे, लेकिन फ़्लाइट्स जो हैं वो मनसूख हो चुकी हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि जिस तरह बाकी के लोग अपने मुल्कों में वापस लेकर आ रहे हैं अपने सिटीजन्स को, बैंकॉक और थाईलैंड के लिए भी कुछ फ़्लाइट्स का अरेंज किया जाए और हमारे इन आर्टिस्टों को वापस लाया जाए। जैसे शमून अब्बासी भी फंस चुके हैं अपने 21 लोगों के साथ, तो मेरी ये बहुत बहुत रिक्वेस्ट है जो जो भी इस चीज़ को डील कर रहा है कि प्लीज़ हमारे आर्टिस्ट जो हैं, ये हमारे मुल्क का सरमाया है, इनको वापस लाया जाए खैर वाफियत से। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मियाँ काशिफ ज़मीर, मेरे बहुत ही प्यारे भाई तोफ़ीक शाह, जो एक बहुत अच्छे डांस आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं और कोरियोग्राफ़र हैं, तो वो अपने कुछ निजी काम के सिलसिले में थाईलैंड गए थे, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं, तो वो और कुछ और जो आर्टिस्ट हैं वो सब इस टाइम बैंकॉक में फंस चुके हुए हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान इमरान खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि जैसे देखें कनाडा ने अपने जो कुछ लोग वहां जाना चाहते थे उनको स्पेशली दो फ्लाइट्स के ज़रिए वापस कनाडा बुला लिया था, तो आप भी प्लीज़ कुछ ऐसा करें कि हमारे जो ये भाई हैं तोफ़ीक शाह साहब और दूसरे आर्टिस्ट हैं जो द बैंकॉक में फंस चुके हुए हैं, उनको उनके लिए कोई आप ऐसी फ़्लाइट का इंतज़ाम करें कि वो वापस अपने मुल्क आ सकें, क्योंकि वो हमारे मुल्क का बहुत कीमती एहसास हैं। तो आप प्लीज़ इमरान खान साहब इसके बारे में कुछ करें। थैंक यू सो मच।